हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम बनाने वाले हैं चटनी वो भी किस चीज़ की मंचूरियन की तो ये छोटे छोटे सेब होते हैं तो इसे मैंने धो लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया ऑलरेडी बहुत छोटे छोटो है तो इसके बाद मैंने लिया है एक बड़ा प्याज़ पाँच छः हरी मिर्ची और पुदीना तो ये मैंने धो धा के रख लिए काट भी लिए इसे फिर हम ऐड कर देंगे अपने मिक्सी जार में मैंने थोड़ा थोड़ा करके पीसा है मैंने देखो थोड़ा सा पुदीना डाला है थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़े से प्याज और थोड़े से मंचूरियन आप एक साथ भी पीस सकते हो बट मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही पीसना प्रेफर किया है और इसे हम पीस लेंगे अच्छे से तो ये है ये जो मंचूरियन है ये भी सेब की ही वैरायटी है एक तरह से तो ये थोड़ा सा खुरदुरा हो गया है मैंने पीस लिया था ना तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए तो मैंने पानी ऐड कर लिया है फिर इसे मैंने अच्छे से फिर से घुमाया और ये अच्छे से पिस गया है इसमें मैंने बाकी सारा भी ऐड कर दिया जितना मंचूरियन पहले डाला मैंने फिर उसके बाद जितना वो पुदीना प्याज मिर्ची बची हुई थी वो भी मैंने सब कुछ ऐड कर दिया इसमें फिर हम इसे भी अच्छे से पीस लेंगे अगर आप लाल मिर्च डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो बट मैंने नहीं डाली है मैंने जस्ट हरी मिर्ची ही यूज़ की है तो बस इसे हम मिक्सी में सब कुछ मिक्स कर देंगे इसका हमने अच्छे से पेस्ट बनाना है तो और थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ताकि इसका पेस्ट अच्छे से बन जाए खुरदुरी ना रहे तो बस इसे हम पीस लेंगे और साथ में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे भी मिक्स कर देंगे इसमें और इसमें मैंने इस बार ऐड किया है भंजीरी और अखरोट तो मैंने वो पहले ही पीस के रख दिया था तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे और हमारी चटनी यमी यमी तैयार है ये बहुत ही टेस्टी बनी है तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करना शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना थैंक यू